हेलो दोस्तों, स्वागत है जी के भाई योगेश्वर चैनल में। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आज आपके लिए लेकर आया हूँ। दोस्तों, जो हम हिस्ट्री की सीरीज पढ़ रहे थे उसमें हम 300 क्वेश्चन पहले पढ़ चुके हैं और 301 नेक्स्ट क्वेश्चन है आज, तो चलिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया है शाहजहाँ ने। किसने करवाया है दोस्तों? शाहजहाँ ने। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो ये चित्रकार था दसवंत। क्या नाम था दोस्तों? दसवंत। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा है? गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था? मंसूर अली खां। मंसूर अली खां किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो ये थे औरंगजेब के काल में। किसके काल में थे दोस्तों? औरंगजेब के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो गुलबदन बेगम थी दोस्तों बाबर की पुत्री। किसकी थी? बाबर की पुत्री थी गुलबदन बेगम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहाँ ने। दिल्ली में जामा मस्जिद है, शाहजहाँ ने करवाया है निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? 1928। साइमन कमीशन भारत में सबसे पहला आया दोस्तों मुंबई में। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में कि साइमन कमीशन सबसे पहले कहाँ आया, तो ये आया मुंबई में। साइमन कमीशन का मुख्य काम क्या था? साइमन कमीशन का मुख्य काम था आर्थिक व्यवस्था में सुधार करना। इसका विरोध किया गया क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, 7 सदस्य कमेटी थी, 7 के 7 कौन थे दोस्तों? अंग्रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष आया? 1921 आया। अकबर के काल में महाभारत की फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह है फैजी। कौन है? फैजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता है? तो सरकार, सरकार इसको कहा जाता था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतक तानसेन का मकबरा कहाँ है? तो तानसेन का मकबरा है ग्वालियर में। तानसेन का मकबरा है ग्वालियर, और ग्वालियर पड़ता है दोस्तों कहाँ पे? एमपी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है, औरंगजेब को। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बोध विहार की तरह है? तो ये है दोस्तों पंचमहल का। किसका है? पंचमहल का नक्शा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो मुमताज महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, जिसकी याद में ताजमहल का निर्माण शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया है। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया है, तो मुगलों ने जो नवरोज का त्यौहार था वो किस लिए अपनाया था? वो था पारसियों से। किस तरह दोस्तों? पारसियों से। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खान। फरीद खान था शेरशाह के बचपन का नाम, और इसका मकबरा है सासाराम बिहार में। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में दूसरे अफगान राज्य की स्थापना की है? तो वो है विलग्राम का युद्ध, विलग्राम का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मत का युद्ध किस किस के बीच हुआ है? औरंगजेब और दारा सिको के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रा डोरा का आरंभ किसने किया? पेट्रा डोरा दोस्तों एक कला थी, और इस कला का आरंभ सबसे पहले किसने किया है? जहांगीर ने। चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई? तो ये हुई औरंगजेब के काल में। नेक्स्ट है, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा। नेक्स्ट है, वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन था दोस्तों? मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट है, सूफी सिलसिला मूलतः है संबंध है इस्लाम से। किससे है दोस्तों? इस्लाम। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है सूफी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूफी में से कौन संगीत के विरुद्ध था? तो संगीत के विरुद्ध था नक्शबंदी, नक्शबंदी था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफिया कलाम जी एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है किसकी? कश्मीर की। कहाँ की है? कश्मीर की। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे?
तो ये आए थे पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान के काल में। नेक्स्ट है, काव्या भी व्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था अमीर खुसरो। कौन था दोस्तों? अमीर खुसरो। किसके द्वारा तीसरी बोध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया? अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्न में से किस भाषा में की गई है? तो यह है पाली। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। यह दोस्तों किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ? अशोक के समय में। सांची क्यों विख्यात है? क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है जो अशोक ने बनवाया। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी, जो महात्मा बुद्ध जी की मौसी थी, जिन्होंने पालन पोषण भी किया है। जातक किसका ग्रंथ है? जातक है महात्मा बुद्ध का, बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है दोस्तों घोड़ा। क्या है? घोड़ा। महावीर का मूल नाम यानी कि बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान इनके बचपन का नाम था। नेक्स्ट है, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। जैन परंपराओं के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो दोस्तों जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं और महावीर स्वामी जी जो तीर्थंकर थे वो थे 24वें। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। जियो और जीने दो किसने कहा था? महावीर स्वामी जी ने। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त। कौन था दोस्तों? देवदत्त। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम, ये वैशाली में पड़ता है, कुंडल ग्राम वैशाली। नेक्स्ट है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? पूर्ण ज्ञान को कहा जाता है कैवल्य। क्या कहते हैं? कैवल्य कहते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति आयोजित की गई? तो यह है राजगृह में। वासुदेव कृष्ण की पूजा सबसे पहले किसने आरंभ की है? सातवंतों ने। सियादवाद सिद्धांत है जैन धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है 563 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। विक्रमशिला था दोस्तों शिक्षा का केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा, और नालंदा यूनिवर्सिटी है बिहार में, और इसकी स्थापना कुमार गुप्त ने की। किसने की है? कुमार गुप्त। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ है दोस्तों पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है, कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? तो ये था मिलिंद। कौन था दोस्तों? मिलिंद। नेक्स्ट है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जानते हैं? पदपानी। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्ट दो स्वतंत्र संप्रदाय हीनयान महायान में विभाजित हुआ था? तो हीनयान महायान जो बने हैं दोस्तों वो बने हैं किसके काल में? कनिष्क के काल में। किसके काल में बने हैं? कनिष्क के काल में बने हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? ये थे मैत्रेयनाथ। मैत्रेयनाथ। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। और इसी को कौटिल्य भी कहा जाता है। इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है दोस्तों अर्थशास्त्र, और जिसमें जो वर्णन मिलता है वो मिलता है राजा और राजनीति का वर्णन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह साधक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी? तो वो ये था अशोक। कौन था दोस्तों? अशोक। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो वो थी कारुवाकी। पत्नी का नाम क्या था? कारुवाकी। किसकी पत्नी थी? अशोक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान धार्मिक घटना महामस्ताकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो यह है बाहुबली। बाहुबली। नेक्स्ट है, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन है? तो यह है दोस्तों जैन मत। किसका है? जैन मत का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकृत कर लिया था? तो इसने कलिंग युद्ध के बाद परेशान होकर बौद्ध धर्म को अपना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी कहा जाता है? तो ये मौर्य सम्राट अशोक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो चाणक्य ने। नेक्स्ट है, सांची किस कला में मूर्तिकला की निरूपण करता है? तो ये करता है बौद्ध धर्म। किसका करता है दोस्तों? बौद्ध धर्म का। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? तो मौर्य वंश का शासक नहीं था दोस्तों अजातशत्रु, ये था हर्यक वंश का। नेक्स्ट है, निम्न में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी था दोस्तों कुणाल। नंद वंश के पश्चात मगध पर कौन सा वंश था? मौर्य वंश। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है? मेगा सथनीज ने। पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा किसने कहा है दोस्तों? मेगा सथनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15। कितने में दोस्तों? 15 में। किस वंश के शासकों ने छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? तो ये किया है शकों ने। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया ग्रीकों के द्वारा। किसके द्वारा? ग्रीकों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों को संग्रह अधिक मात्रा में है? मथुरा संग्रहालय। किसके उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? मामूल नार। गुप्त किसके सामंत थे? कुषाणों के। किसके थे? कुषाणों के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई? मुंबई में। और इसकी स्थापना 1885 मुंबई में की गई ए ओ ह्यूम के द्वारा। और पहला अध्यक्ष बनाया गया दोस्तों WC बनर्जी को। इस समय जो कांग्रेस की जब स्थापना की गई तो अंग्रेज का जो वाइसराय था वो था लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो ये बनी है लॉर्ड डफरिन। किसके दौरान? लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया? लॉर्ड कर्जन। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर 1863। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की है? एलन ऑक्टोवियन ह्यूम, यानी कि ए ओ ह्यूम। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? दादा भाई नौरोजी। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है 1885, हुई कहाँ पे दोस्तों? मुंबई। 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे लाला हरदयाल। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई दोस्तों सैन फ्रांसिस्को अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक। मार्ले मिंटो रिफॉर्म को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया? 1909। यहां पर मुस्लिम समुदाय के लिए अलग मांग की गई है। भारत में गर्मदलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में से कौन पहले ऐसे क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? अरविंदो घोष। 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? एनी बेसेंट। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया? लाला लाजपत राय। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अरविंद घोष। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ है? 1912।
बिहार बंगाल से अलग हुआ है दोस्तों 1912। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली मुस्लिम प्रेसिडेंट थी बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। ये है दोस्तों सेकंड पर लास्ट क्वेश्चन आपके लिए। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था? तो ये था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों को शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।